12 अगस्त को रिलीज हुई रुस्तम, जो कि एक छठे दशक में नौसेना कमांडर के साथ घटी सच्ची घटना से प्रेरित एक मिस्ट्री थ्रिलर ऐसी कहानी है, जो अपनी पत्नी और अपने दोस्त विक्रम मखीजा यानी कि अर्जुन वाजपेयी के बीच अवैध संबंधों को देखते हुए विक्रम को गोली मार देता है और बाद में स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। ट्रायल के दौरान रुस्तम अपने आप को निर्दोष करार देता है। उसके बाद केस में नई नई बातें सामने आती हैं। लोगों को मूवी काफी अच्छी लग रही है। आइए दर्शकों के रुस्तम फिल्म के बारे में रिव्यू सुनते हैं। रुस्तम मूवी इज गुड, वन टाइम वॉच कर ले, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Part of five. और फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि स्पेशल 26 और बेबी के बाद नीरज पांडे की जोड़ी ने जो बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है, वो एक बार वापस सेंसिबल एक स्टोरी लेके आए हैं। फिल्म 90s के अराउंड घूमती रहती है, तो लुक अच्छा दिखाया गया, कपड़े जो उस समय पहनते थे अर्लिल बेल बॉटम, तो वो सब कपड़े भी दिखाए गए, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील अच्छा दिया गया मूवी में, फील अच्छा है, एक थीम अच्छी है, तो बैकग्राउंड मतलब